और ये सीट मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे उसको ही मेजर करके इस कैबिनेट के अंदर का जो बॉक्स है ना उसको मेजर करके इसमें मुझे ड्रॉ करना है, और रात को जब भी फ्री होंगे ना कौशिक तब उसको कटिंग करके अंदर लगवाना है मुझे, क्योंकि हमने कैबिनेट के अंदर टाइल्स नहीं फिक्स करवाई है इस वजह से। और ये हमने जब टीवी यूनिट बनवाया ना आगे वाला तब ये एक्स्ट्रा हमने मंगवाए थे, 1.5 साल हो गए इसको तो अभी ऐसा ही रखा हुआ है। तो इस दिवाली में ये काम करके रहूँगी मैं। और वैसे हम नहीं निकालेंगे ना तो जेंट्स लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये तो करवाना ही है क्योंकि अंदर का कैबिनेट मुझे साफ़ करना है। ये वाला भी करूँगी आज, और ये वाला करूँगी, और परसों ये वाला करूँगी जो वॉश बेसिन है ना, ये वाला इसके नीचे भी मुझे लगवाना है। सारा सामान नीचे का निकाल कर उसका मेजर कर लेती हूँ, उसका मेजर करके इसमें मेजर कर लूँगी, और इस सेट का फिर कटिंग ही करना होगा। इस साइड में रख देती हूँ, ट्राइपॉड को भी मुझे सही करना है क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है ना वो बार बार खुल जा रहा है, तो इसमें मुझे फेविक्विक लगानी है। और अभी बजे है घड़ी में 9, और मैंने झाड़ू निकल लिया है, कपड़े धोकर डाल दिए हैं, और बस अब ये कैबिनेट का काम बाकी है। ये नीचे है ना ये बारा पूरा भाग, और फिर कटिंग होगा इन दोनों कैबिनेट की, नीचे की तरफ ही है तो ये कर लेती हूँ मैं पहले। और वेलकम कर देती हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो जरूर से बताया कीजिएगा कमेंट करके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ का सारा सामान निकल कर यहाँ पर रख दिया है, और इस कैबिनेट वाला सारा सामान निकल कर यहाँ रख दिया है, और नीचे देखो इस तरीके से हो जाता है, तो एकदम ख़राब हो गया था ये भी, तो इसलिए मुझे टाइल्स नहीं डलवाई ना, तो अभी बहुत ही दिक्कत हो रही है। पर कोई नहीं, ये सीट लग जाएगी ना फिर भी ठीक हो जाएगा। नीचे के दोनों कैबिनेट मैंने साफ कर दिए हैं, अब इसका हम मेजर करेंगे और इसमें ड्रॉ करेंगे वैसे ही सेम। इस 26 अक्टूबर को हमारे इस घर में आए हुए 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे सावन के महीने में 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, पर यहाँ पर हम रहने फर्स्ट नवरात्रि को आए थे, तब थी 26 अक्टूबर, तो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं हमारे नए घर में रहने आए। जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे पुराना भी होता जाएगा, पर अभी तो 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर हमें शिफ्ट हुए, और थोड़ा बहुत ऐसे 2 साल में काम करते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो इस बार तो कुछ दिवाली में हमने नया किया नहीं है, बस जो भी किया था पिछले साल किया था, तो मैंने होम टूर दे दिया था, तो इस बार तो होम टूर नहीं मिलने वाला क्योंकि इस बार हम बाहर जाने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू ट्रैवल वीडियो मिलने वाले हैं, तो वीडियो से बने रहिएगा और देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो काम कर लेते हैं बाकी का।
ये दोनों कैबिनेट में पीछे लगा दिया है मैंने, अभी स्क्रू लगाना बाकी है और यहाँ पर पीछे भी, और ये सारा निकाल कर मैंने काट कर लगा दिया है। और ये कैबिनेट भी अच्छे से साफ हो गया है, ऊपर वाला धोने में डाला है। और यहाँ पर भी देखो, इसमें चारों कोनों पर मुझे स्क्रू लगाने होंगे। अभी ये सारा बाकी है साफ करना, ऊपर वाला पार्ट अभी ये कर रही हूँ फिलहाल। ये बचा हुआ है नहीं तो ये सारा मेज़र करके काट कर इसमें लगाना है, नीचे वाले पार्ट में। और ये सारा सामान इसमें, चलो ये कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो गया है। यहाँ पर भी मैंने सेट लगा ली और अभी बस इतनी ही बची है, सारी यूज़ कर ली मैंने। और यहाँ पर स्क्रू लगवाने होंगे पीछे। और सुबह से लेकर अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। और ये कैबिनेट सामने वाला, ये नीचे वाला और ये दोनों, और ये नीचे वाला, बस इतना ही हुआ है साफ, क्योंकि अभी ऊपर का पूरा साफ करना बाकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये दोनों। और मेरी हालत देखिए, तो अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद ये ऊपर वाला दोनों करूँगी, ये टाइम मिलेगा तब, वरना कल जाएगा ये काम। और देखो इतना सारा कूड़ा निकला है, वाइट Father real me.